एक ही कैपेसिटर यानी एक ही प्लेट है पूरी, और ऊपर जो हमारे पास प्लेट है ये है, यानी एक प्लेट ये है एक पॉइंट, और एक पॉइंट कोई ऊपर है कहीं भी बी पॉइंट। हमें उनके बीच की क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अब बताओ कैसे हो जाएगा, इस पे सभी चार्ज प्लस, ठीक है, इस पे इस प्लेट पे सभी चार्ज क्या होंगे माइनस, यहां भी क्या होंगे माइनस, यहां भी क्या होंगे माइनस। ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है डी, यानी ये भी डिस्टेंस है डी, ये भी डिस्टेंस है डी। कितने कैपेसिटर बने, एक प्लेट ये है, एक प्लेट क्या है इसके नेगेटिव से जुड़ेगी, इसी की प्लेट इसके नेगेटिव से बनाएगी, इसी की प्लेट इसके नेगेटिव से बनेगी, कितने कैपेसिटर होंगे अब बताओ, बताओ। एक ये हो गया एक, एक हो जाएगा दो, एक हो जाएगा तीन, ठीक है। एरिया देखो, ये टोटल जो एरिया है वो ए है, ये जो रसायन की तीन पार्ट इसका, तो इसका जो एरिया है वो है ए बाई थ्री, इसका भी एरिया कितना है ए बाई थ्री, इसका भी एरिया कितना है ए बाई थ्री। तीनों 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 के तीनों कैपेसिटर क्या है बेटा आपस में दो ही पॉइंट के बीच में, इसका कितने तीन कैपेसिटर बन रहे, तीनों के तीनों आपस में किसमें होंगे पैरेलल, और तीनों के तीनों पैरेलल होंगे तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर सेम वही बनेगी ना क्या। अब सेम तो नहीं होगी कैपेसिटेंस अभी की, क्या इसकी कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं सी वन, इसकी इसकी और इसकी जो कैपेसिटेंस बनेगी उसकी बनेगी सी टू, इसकी और इसकी बनेगी कैपेसिटेंस सी थ्री। कदम बढ़ा के दिखा देता हूं मैं, क्या बेटा कि एक कैपेसिटर ये है मान लो, ये मान लो जिसका एरिया, एरिया सबका बराबर ही है ए बाई थ्री, लेकिन इसकी जो सेपरेशन है वो है डी, ये सेपरेशन क्या है डी, ये कैपेसिटेंस होगी इसकी सी वन, ठीक है। उसके बाद में एक कैपेसिटर और है नीचे, सेपरेशन तो डी है ना, सॉरी क्या बोलते उसको एरिया, तो और जो सेपरेशन है वो कितनी बन जाएगी बेटा डी, और ये डी कितनी बनेगी टू डी, टू डी। एरिया सेम है, एरिया इसका भी वाई थ्री है, ये कैपेसिटेंस हो गया सी टू, फिर ये वाला सी थ्री, लेकिन इसकी जो सेपरेशन बनेगी वो कितनी बनेगी डी टू डी थ्री डी, यानी टोटल सेपरेशन कितनी होगी थ्री डी। ये इसका डायग्राम बन जाएगा, इसकी जो सेपरेशन है यानी कैपेसिटेंस है सी थ्री, और ये जो सेपरेशन है वो थ्री डी है, एरिया ए बाई थ्री है। अब इसका बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, बताओ ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी बेटा, तीनों के तीनों पैरेलल, तो तीनों के तीनों पैरेलल होंगे तो सी जो आ जाएगी सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट वो हो जाएगी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है। तो अब सी वन कितनी है, सी टू कितनी है, सी थ्री कितनी है वो निकाल दो, एड कर दो। बताओ सी वन कितनी है, सी वन एरिया कितना है ए बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई डी, डिस्टेंस क्या है डी, ठीक है। सी टू कितनी है, एरिया कितना है ए बाई थ्री इंटू एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन कितनी है टू डी, तो नीचे आ जाएगा टू डी। सी थ्री कितनी है ए बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट और सेपरेशन कितनी है थ्री डी, कितना है ए एप्सिलॉन बाई थ्री डी, ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिक्स डी और ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई नाइन डी, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई थ्री डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिक्स डी, सिक्स डी, और नीचे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई नाइन डी।
सॉल्व कर सकते हो, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी कॉमन आ जाएगा, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1/3, यहाँ बचेगा 1/6 और यहाँ जाएगा या 3 भी कॉमन ले लो, ए एप्सिलॉन बाय 3d, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, ऐसे में आ जाएगा 6, तो c इक्विवेलेंट कितना आया, a epsilon naught divided by 3d, 6 LCM, तो 6 plus 3 plus 2 कितना हुआ 11, 11/18, तो c जो इक्विवेलेंट हुआ, c जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 11 a epsilon naught divided by 6, 3 क्या हो जाएगा 18d, ये आ जाएगा c इक्विवेलेंट। तो इसका सेपरेशन डिफरेंट था, सेपरेशन डिफरेंट है, सेपरेशन यानी प्लेट एक ही है, इसी प्लेट के पॉजिटिव से इसका भी ऐड होगा, इसी का इससे भी होगा, इसी का इससे भी होगा, तो तीनों के तीनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल है, लेकिन तीनों के सेपरेशन एक ही डी, एक के लिए हो जाएगी 2d, एक के लिए हो जाएगी 3d, एरिया सबका सेम है। मैंने इसका डायग्राम ये बना दिया, ये डायग्राम बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि इसकी एक टाइप। अब इसके बाद में इसी की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक और टाइप है, इसमें कोई मीडियम नहीं था, लेकिन अगर मीडियम आ जाए और देन उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलवाए तो कैसे निकालेंगे उसकी, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब निकालिए कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस यानी कॉम्बिनेशन निकालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हमें ऐसे कैपेसिटर जोड़ने हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है जिन कैपेसिटर्स के अंदर मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, इंसुलेटिंग मीडियम होगा, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकाल, कैसे निकालनी है। तो बेटा हम कोई भी जैसे पहले कैपेसिटर मान लेते हैं, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की ये मैं आपको करवा सकता हूं इसका डेरिवेशन, अगर इसके अंदर हम कंप्लीट एक मीडियम फिल कर दें, कंप्लीट मीडियम, और उसकी डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू है के, और हमें उसकी कैपेसिटेंस बतानी है ए और बी के बीच में, जिसमें उसकी सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच की डी होती है, और उसका जो एरिया होता है वो एरिया होता है ए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, अगर उसको कंप्लीटली फिल कर दे तो वो होती है बेटा के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ये मैं आपको डेरिवेशन करवा सकता हूं बहुत पहले, ठीक है, कंप्लीट फिल कर रखा है मैंने इसको, पार्शियली फिल करके भी एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम डाल के भी आपको जो क्वेश्चन है वो सभी करवा चुका हूं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको करवा दिए मैंने, वो पहले करवा चुका हूं, वो कंडक्टर स्लैब, डायरेक्टर स्लैब का भी कॉम्बिनेशन करवा दिया, एयर डायरेक्टर स्लैब का कॉम्बिनेशन करवा रखा है, लेकिन यहां मैं जो करवा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो किनके हैं, जो बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है एक मीडियम हो सकता है दो मीडियम हो, तीन मीडियम हो, चार मीडियम हो, लेकिन एट प्रेजेंट मैंने एक माना है, एक मीडियम फिल है, और उस मीडियम की जो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी है के है, तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो अब उसमें हम क्वेश्चन मान लेते हैं कि भाई अगर मान लो क्वेश्चन ये है कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर के मैं दो पार्ट कर देता हूं, हमें निकालना उसी के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, ए या ए होता है तो ए नाम छोड़ के मैं पी और क्यू नाम लगा देता हूं, मैं मुझे निकालना है पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो भाई इस प्लेट पे चार्ज प्लस और इस पे चार्ज माइनस देंगे, यानी कि प्लस बैटरी के प्लस से जोड़ोगे और बैटरी के माइनस से जोड़ोगे, तो अगर प्लस होगा तो यहां पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस, आउटर प्लेन पे कभी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पता होगा आपको, ये
नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे इंसुलेटिंग प्लेट एक और डाल दी मैंने, तो एक और डाल दी तो क्या होगा, इसके ऊपर इंडक्शन होगा क्योंकि ये सरफेस तो है नहीं, इंडक्शन होगा तो ये क्या आएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है ये प्लस आ जाएगा। यानी कि टोटल इंडक्शन का कारण क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है, जिसपे टोटल चार्ज पहले भी जीरो था और टोटल चार्ज बाद में भी जीरो होता है, बस ओनली जो नियर बाय चार्ज रखते हो उससे अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ प्लस के कारण माइनस है, माइनस के कारण प्लस आया इस प्लेट पे, अनदर प्लेट पे। अब आप देखो इसके अंदर मान लो एक मीडियम फिल हो गया जिसकी डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यू है K1, और इसके अंदर एक मीडियम फिल हो गया जिसकी डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यू है K2। ठीक है, अब हमें P और Q के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है। हम इसकी कैपेसिटेंस यानी कि सैचुरेशन तो बिल्कुल बराबर बराबर है, D/2 and D/2 टोटल कितनी है, डी है। टोटल एरिया कितना है, ए, कंप्लीट एरिया इसका भी एरिया ए और ए, टोटल एरिया तीनों का, यानी कि जो कैपेसिटर जितने बढ़े हैं उन सबका एरिया क्या है, सेम है। अब बताओ एक प्लेट ये प्लस इसके माइनस जुड़ी हुई है, और इसका माइनस ये माइनस प्लस से जुड़ी हुई है और ये माइनस से जुड़ी हुई है, तो बताओ सीरीज में होंगे कि पैरेलल में। देखो इस तरह से है कि इसकी कैपेसिटेंस को मान लेता हूं C1 और इसकी कैपेसिटेंस को मान लेता हूं C2। तो ये क्या है बेटा, इधर तो पॉइंट हो गया P, ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया, इस पे यहां पे चार्ज प्लस हो गया, दूसरी तरफ देता हूं, और यहां पे चार्ज माइनस हो गया, हो गया ठीक है। उसके बाद इसका माइनस इसके प्लस से है, इसके माइनस इसके प्लस से है, और ये इसके क्यू के इस एंड से जुड़ी हुई है। तो अब बताओ ये इधर वाला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, ये एंड हो गया P और ये एंड हो गया Q, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हुए, सीरीज में हुए कि पैरेलल में हुए, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए। और सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगी वो आ जाएगी C1 C2 एंड डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यानी अगर हम दोनों प्लेट की टोटल सेपरेशन को ये हाफ कर रहे हो तो ये छोटा सा शॉर्टकट तरीका है, अगर उनकी प्लेट सेपरेशन हाफ करते हैं, सेपरेशन डिवाइड करते हो, सेपरेशन को डिवाइड करते हो, तो ये कैपेसिटर हमेशा किस में होंगे, वो सीरीज में होंगे। तो देख लो सर, अगर एक किसी भी कैपेसिटर के इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव जुड़ा होगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा होता है तो पैरेलल होता है, लेकिन इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से है, इसका ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दो कैपेसिटर हुए, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में। तो इनकी कैपेसिटेंस आ जाएगी C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब आते हैं C1 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू कितनी है, हम इस तरह से निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो बताओ C1 क्या है और C2 कितना है। C1 कितना होगा, C1 आ जाएगा, C1 के अंदर डायरेक्टिव मीडियम कितना है, K1, एरिया सेम है, एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन कितनी है, D/2, इसका नॉट 2 पर जाएगा, तो आ जाएगा 2K1 a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, C1 हो गया। और C2 कितना है, C2 के अंदर आ जाएगा K2, तो आ जाएगा K2 a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी सेपरेशन कितनी है, D/2, तो 2 पर जाएगा। तो ये आ गया C1, ये हो गया C2, C1 के C2 की वैल्यू उठा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे पुट कर दो। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो बड़ा हो जाएगा, हम एक काम कर लेते हैं 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d को हम कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है, राइट, ये मान लेते हैं 2a, आप कर सकते हो सीधा कर सकते हो मल्टीप्लाई, C1 C2 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो और आपको नहीं करना हो, ठीक है, हम मैं इसको थोड़ा छोटा कराता रहा, तो 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d को c नाम दे देता हूं, ठीक है। तो ये कितना बड़ा, ये बन जाएगा C K1, ये बन जाएगा K1 into C, यानी क्या बन जाएगा K1 into C। तो जो C1 बन जाएगा वो बन जाएगा K1 into C, और जो C2 बन जाएगा वो बन जाएगा K2 into C। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो C इक्विवेलेंट क्या बना, दोनों की मल्टीप्लाई, तो K1 K2 C2, ठीक, और डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन करेंगे तो C कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2
K2, C से C क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आई वो आ जाएगी सी के वन के टू डिवाइड बाय के वन प्लस के टू। सी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी थी वैल्यू इसकी पुट कर दो, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई वो कितनी है बेटा, 2a epsilon naught डिवाइड बाय डी इनटू k1 k2 इनटू k1 k2 और डिवाइड बाय k1 प्लस k2, ये आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हमने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दी, हमें पता चलेगा कि दोनों के दोनों किसमें सीरीज में है, तो डायरेक्ट एक मीडियम डालोगे तो k1 इसमें k2। ठीक है, चलो और लेके चलते हैं एग्जांपल इसमें। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, सेपरेशन वही डी है भाई, उन्हें दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, पी और क्यू के बीच में ही, और हम उसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर एक मीडियम डाल दिया मैंने, इसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट है k1, इससे मैंने एक मीडियम डाल दिया जिसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट k2, अब बताओ इसमें क्या होगा, तो p पे प्लस और q पे माइनस, बताओ क्या बना, तो p पे प्लस q पे माइनस, इसका मतलब इस सभी पे चार्ज कैसा होगा प्लस और इस पे कैसा होगा माइनस, इसकी कैपेसिटेंस ऊपर वाला जो हिस्सा बन गया एग्जैक्ट, मैंने इसको हाफ डिवाइड कर दिया, टोटल एरिया a होता है तो ये कितना बचेगा a/2, एग्जैक्ट हाफ किया है तो मैंने, और नीचे वाले का एरिया भी कितना बचेगा a/2। ठीक है, लेकिन दोनों के प्लेट के सेपरेशन के डी, तो दो अगर डायरेक्टली स्लैब डाल देते हैं अलग अलग करके तो दो कैपेसिटर बन जाते हैं, तीन ही डाल देंगे तो तीन बन जाएंगे, चार डालेंगे तो चार बन जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक मीडियम डालने से उनकी कैपेसिटेंस चेंज होती है। तो ऊपर वाला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को c1 मान लो, नीचे वाले की कैपेसिटेंस को c2 मान लो। तो पहले तो ये देखो कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, आप देखो ऊपर वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका जो पॉजिटिव प्लेट है नीचे वाले की पॉजिटिव जुड़ रही है, इसकी नेगेटिव इसके नेगेटिव जुड़ रही है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है नीचे वाले कैपेसिटर की किसमें होगा पैरेलल, तो ये आ जाएगा, यानी एक तरह से एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों के बीच की सेपरेशन तो डी है, इसकी भी डी है, इसकी भी डी है, एरिया इसका a/2, इसका भी a/2, और दोनों के दोनों किसके बीच में कनेक्टेड, पॉइंट p और q के बीच में कनेक्टेड है, क्योंकि इसका प्लस इसके प्लस से कनेक्ट है, इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्ट है। ठीक है, तो दोनों के दोनों कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस मानी है मैंने c1 और उसकी कैपेसिटेंस मानी मैंने c2, इन दोनों मैंने p और q के बीच में एड करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी ना c1 प्लस c2। अब बस ये c1 कितना है c2 कितना है, तो c1 हमने निकाला था, अब भी निकाल दो, c1 में कितना आ जाएगा k1, एरिया कितना है a/2, तो a/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d, c2 कितना है, c2 के अंदर k2, एरिया इसका भी हाफ, तो a/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। ठीक है, अब c1 के c2 के वैल्यू डायरेक्ट उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में पुट करोगे तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों के अंदर a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2d कॉमन आ जाएगा, नीचे इसके अंदर हो जाएगा k1 प्लस k2, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर दो क्वेश्चन आपके सामने हुए, अगर आपने क्या किया, आपने एरिया डिवाइड किया, लिख लेना छोटा सा शॉर्टकट अपना उसमें फॉर्मूले नोटबुक के अंदर, हिंट लिख लेना क्या है कि अगर एरिया डिवाइड करते हो, एरिया डिवाइड किसी भी कैपेसिटर, एक कैपेसिटर पूरा तो, और उस कैपेसिटर के अंदर हमने दो पार्ट बना दिया, एक में k1 एक में k2, और इस तरह से डाले हैं कि उसका एरिया डिवाइड कर रहे हो, तो एरिया डिवाइड करने से वो कैपेसिटर्स बनते हैं पैरेलल में,
और सेपरेशन डिवाइड करने से वो बनते हैं सीरीज में, या एरिया डिवाइड हुआ तो क्या हो गए पैरेलल। एक और करते हैं, ये तो अब तक हमने दो ही लिए, तीन हो जाए तो क्या होगा, जैसे कैपेसिटर तो एक ही है, वही पॉइंट पी और वही पॉइंट क्यू, हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से, यानी इसमें इसके डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू है के वन, इसके अंदर के टू, इसके अंदर के थ्री, ये है अलग, ठीक है, इसमें के वन, इसमें के टू, इसमें के थ्री, कंप्लीट फिल है। टोटल जो सेपरेशन है वो है डी, बिल्कुल हाफ डिवाइड किए हैं, हो सकता है हाफ ना दे एग्जाम में, बस आप सेपरेशन को याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, वेल पुट कर देना डी बाई टू, और ये मैंने ये भी हाफ डिवाइड कर दिया ए बाई टू एंड ए बाई टू। अब आप बताओ क्या बनेगा, कितने केमिस्टर बन जाएंगे, तीन, क्योंकि मीडियम के वन हो गया, के टू हो गया, के थ्री हो गया, जितने मीडियम डालोगे उतने कैपेसिटर बनते चले जाएंगे, तो इसकी कैपेसिटेंस होगी सी वन, इसकी कैपेसिटेंस होगी सी टू, और नीचे वाले की कैपेसिटेंस होगी सी थ्री। तो अगर मैं निकालोगे सी वन सी टू सी थ्री कितना है, तो सी वन बता दो पहले कितना होगा, सी वन हो जाएगा के वन, एरिया कितना है, एरिया कितना है ए बाई टू, ए बाई टू, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी कितना है, डी बाई टू, d by 2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा k1 a epsilon naught divided by d, c2 बताओ कितना आया, c2 भी तो सेम ही होगा, ये आएगा सेम ऐसे कैसे, बस k2 हो जाएगा k2 a epsilon naught divided by d, निकालो c3, c3 के अंदर एरिया कितना है a by 2, a by 2, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी कितना है, डी है, और इसका डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, के थ्री, के थ्री, तो के वन ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, के टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी एंड के थ्री ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टू डी, ये बन गया हमारे पास तीन कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, हम एक काम करें, हम ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी की जगह इसकी जगह इसकी जगह सी मान लें, सी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी की जगह सी मान लें, तो ये क्या बन जाएगा के वन सी, ये क्या बन जाएगा के टू सी, और ये क्या बन जाएगा के थ्री डिवाइड बाय टू इंटू सी, ठीक है, के थ्री बाय टू इंटू सी, ये बन जाएंगे। अब बताओ ये दो किसमें, तीनों जो कैपेसिटर है किसमें, सीरीज में है या पैरेलल में है, बताओ, इसको प्लस मान लो इसको माइनस, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहां माइनस, ठीक है, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। अब बताओ आप मेरे को, इस प्लेट का ये जो हमारे पास है, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, और ये जो माइनस है, और इसका ये जो प्लस है और ये माइनस है, मैं इसको ब्लैक पेन से बताता हूं, तो क्या आएगा बताना, ये और ये, ये और ये, इसका नेगेटिव इसके पॉइंट से कनेक्ट है, इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किसमें होंगे, सीरीज में, तो C1 और C2 किसमें होंगे, सीरीज में, तो इसका ये बन जाएगा, ये हो गया C1, ये हो गया C2, क्योंकि इसका प्लस यानी यहां पे जो प्लस है और यहां पे क्या है माइनस, ये माइनस, और C2 का ये प्लस है, C2 का ये प्लस है, और यहां पे ये माइनस है Q के लिए, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो नीचे वाले के साथ किसमें प्लस प्लस से कनेक्ट है, माइनस माइनस से कनेक्ट है, इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्ट है ये इस तरह से, और ये बन जाएगा P और Q के बीच का इक्विवेलेंट, यानी ये प्लस, इसका ये प्लस था, इसका ये प्लस इसके प्लस से था, इसका ये प्लस इसके प्लस से था, और इसका माइनस इसके माइनस से था, इसका माइनस इसके माइनस से था, ये कह सकते हैं P का प्लस Q का माइनस, P का प्लस Q का माइनस, ये कैपेसिटेंस हो गया C3। अब बताओ कितना होगा, कितना है बेटा, ये आ जाएगा दोनों सीरीज में, और अगर दोनों सीरीज में होंगे तो कितना होगा,
इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा सी डैश, मान लेना सी डैश, और वो कितना आ जाएगा सी वन सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू, और नीचे वाला सी थ्री पी से क्यू के बीच में सी थ्री सीरीज में है, वो सी वन सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू, और नीचे कितना है सी थ्री, और इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और प्लस आ जाएगा C3, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपको क्या करना है, आपको C1 C2 C3 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था भाई, हिंट ये था ना कि अगर सेपरेशन को डिवाइड करते हो तो कैपेसिटर किसे बढ़ जाएंगे सीरीज में, और एरिया डिवाइड करते हो तो क्या बन जाएगा पैरेलल, इसका और ये दोनों तो सीरीज में हुए और इसका इफेक्टिव इसके साथ क्या हुआ पैरेलल हुआ, तो इसका ये मैंने बना दिया आइडेंटिटी का एक डायग्राम, उसको सोल्व कर लिया है। अब इसकी वैल्यू इन सभी की वैल्यू का आप यहाँ पुट करो और क्या निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है बेटा, अरे निकालो पूरा बताओ। C equivalent, C1 C2, C1 C2, तो K1 C और ये क्या है K2 C, तो ये आ जाएगा K1 K2 C square multiply कर दे मैंने दोनों की, उसके बाद नीचे डिवाइड करने दोनों को, तो इन दोनों में C common क्या बचेगा K1 plus K2, C से C क्या हो गया cancel, plus C3, plus C3, C3 क्या है K3 C डिवाइड बाई टू, के थ्री सी डिवाइड बाई टू, ठीक है। सी सी इसमें कॉमन आ गया तो सी को बनाया, क्या बचा बेटा ऊपर बचा के वन के टू, नीचे आया के वन प्लस के टू, और प्लस क्या बना के थ्री बाई टू, के थ्री बाई टू ऐसे ले लो उसको आगे, और सी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू कितनी मैंने सी की वैल्यू मैंने पुट की है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ये पुट किया मैंने तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू, तो ये आ जाएगा टू के वन के टू प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो के वन के थ्री इसकी मल्टीप्लाई इससे के टू के थ्री, ये आएगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने उनकी वैल्यू है ना, बस उसका आंसर जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी के वन के टू के टर्म में निकालनी थी, बल्कि देखना तो वैसे ही है कि सीरीज में होंगे या पैरेलल में, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अपने आप करना, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है, नोट करना इसको सभी क्वेश्चन, उनके सभी रोक के उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद उसको नोट कर लिया अच्छे से। जैसे आप ये करना ऐसे ही, ये पॉइंट हमारा है P पॉइंट, ये पॉइंट है Q पॉइंट, इसके अंदर एक मीडियम डाल देना K1, इसमें डाल देना K2, इसमें डाल देना K3, इसमें डाल देना K4, ठीक है। टोटल जो हमारे पास एरिया है वो A है, ये एरिया A by 2, ये एरिया A by 2, ये जो सेपरेशन है टोटल D थी, तो ये है D by 2, ये भी है D by 2, ठीक है, इसको चलो आधा कर दो, ये भी सेपरेशन कितनी है डी बाई टू, ये भी कितनी है डी बाई टू, ठीक है। कितने कैपेसिटर होंगे चार, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, अब कैसे क्या इक्विवेलेंट होंगे वो आप अपने आप निकालना। तो ये थे हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस, किसकी
when filled with a dielectric medium. ठीक है, okay, thank you.